हेलो एवरीवन रिवान असल उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अच्छा आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस के ऊपर पिछले कुछ दिनों में आ, मुझे काफ़ी बच्चों के स्टूडेंट्स के मैसेजस आएँ दो लाइक ईगर टू लर्न मोर अबाउट डेटा साइंस और दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस तो मेरे साथ रहिएगा आज की वीडियो में मैं इस टर्म को जो है वो डायसेकट करूँगा और आपको ब्रीफली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ कि डेटा साइंस है क्या अच्छा जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है डेटा साइंस सो तो दे आर बेसिकली टू वर्ड्स लाइक वन इज़ डेटा दी अदर वन इज़ साइंस अब डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल डेटा है टेक्स्ट डेटा है सेटेलाइट इमेज आ सकती हैं या इमेज डेटा हो सकता है अब जब हम बात करते हैं साइंस की तो इसका मतलब है कि कहीं पे कोई हाइपोथेसिस होगा कोई एक्सपेरिमेंट होगा डेटा होगा और उसका एनालिसिस होगा टू आंसर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ डेटा आप लोग जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ डेटा जहाँ भी कलेक्ट हो रहा है चाहे वो एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में हो चाहे वो सेल्स की फॉर्म में हो चाहे वो बिज़नेस की फॉर्म में हो तो वो बहुत बढ़ता जा रहा है उसका वॉल्यूम जो है उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है और ऐसे डेटा को एनालाइज़ करने के लिए हमें एक्सपर्टीज़ भी उस हिसाब से चाहिए अब पुराने वक्तों में डेटा जब उसका इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं था तो उसको मैनेज करने के लिए उसको हैंडल करने के लिए टूल्स जो थे वो डिफ़रेंट थे आज इतने बड़े डेटा सेट को हैंडल करने के लिए और फर्दर आगे उसको फ्यूचर में यूटिलाइजेशन के लिए उसके और जो रिकमेंडेशनस के लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स हैं तो इस बढ़ते हुए डेटा के वॉल्यूम को एनालाइज़ करने के लिए पिछले कुछ सालों से एक टर्म जो है वो क्वाइन की जा रही है या बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उसे कहते हैं डेटा साइंस तो डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो इन बड़े डेटा सेट्स को एक्सेस करते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं उसमें जो पैटर्नस हैं या स्ट्रक्चर हैं डेटा में वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फिर बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन वो डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मैथड यूज़ करते हुए उस डेटा को एनालाइज़ करते हैं और उसके जो रिजल्ट हैं उसको विजुअलाइज़ करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू द जनरल ऑडियंस या जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है और फर्दर अगर उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन है तो उसको भी वो हैंडल करते हैं अब डेटा साइंस के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट जो है वो अपने अंदर एक अलहदा ही एक बहुत बड़ी दुनिया है सबसे पहला जो कंपोनेंट है डेटा साइंस का वो होता है कि डेटा एक्सेस करना या डेटा को रिट्रीव करना उसको हासिल करना अब डेटा डेटा बेसिस से भी आ रहा होता है वो डिफरेंट आर्काइव्स हैं जो होस्टेड हैं और डिफरेंट वेबसाइट्स पे उनसे भी आ रहा होता है मिसाल के तौर पर अगर हम प्रीवियस वेदर डेटा या स्टॉक मार्केट डेटा लें तो वो एक बहुत बड़े अच्छे अंदाज़ में उसको स्टोर किया जाता है तो उसका जो एक्सेस है इस तरह के डेटा का वो एक मेन कंपोनेंट होता है सेकेंड जो कंपोनेंट है उसमें आता है डेटा रेंगलिंग तो डेटा रेंगलिंग जो है उसमें डेटा क्लीनिंग भी है उसमें डेटा को नए फीचर्स को बनाना है उसकी इंजीनियरिंग भी है अब मिसाल के तौर पर हर फर्म जो है वो डेटा को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करती है या उसको सेव करती स्टोर करती है अब अगर आप डेटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर मैं एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करता हूँ या मेरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिसर्च है तो मेरा एग्रीकल्चर का डेटा जो है वो आया कि यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सपेरिमेंट्स करती हैं या डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं वहाँ से उसको एक्सेस करूँगा जो वेदर का डेटा होगा या क्लाइमेट का डेटा होगा तो वो डिफरेंट मेट ऑफिस से आएगा तो हर डेटा जो है हर फर्म जो है या हर इंस्टीट्यूट डेटा को एक डिफरेंट तरीके से उसको स्टोर करता है और जब आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे एक सेम मीडियम में लेके आते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा उसको क्लीन करना पड़ता है तो डेटा रेंगलिंग में ये सारी क्लीनिंग आती है इसके अलावा डेटा में डिफरेंट जो हैं वो नॉमलीज़ हो सकती हैं मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा मिसिंगनेस डेटा बहुत ज़्यादा मिस हो सकता है आ, उसके फीचर्स जो हैं उसमें डेट्स जो हैं वो अगर डेट्स का डेटा है उसमें तो वो एक डिफरेंट अंदाज में स्टोर हो सकता है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा है लेकिन आप एक स्पेसिफ़िक कॉन्टीनेंट या कंट्री के लिए करना चाहते हैं तो आप उसको फ़िल्टर करते हैं वगैरह वगैरह तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो रैगलिंग में आ जाती हैं उसके बाद एक बहुत ही मेन और मेजर कंपोनेंट डेटा साइंस में आता है वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या ई अच्छा अब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इसमें हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशनस हम डेटा की डायमेंशन से लेके उसके एक एक कॉलम को हम एक्सप्लोर करते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं चाहे वो कॉलम टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है फैक्टर लेवल है कैरेक्टर लेवल है न्यूमेरिक है इन टीचर है कंटिन्यूस डेटा सेट्स हैं कैटेगोरिकल डेटा सेट्स हैं तो उसमें सारी एक्सप्लोरेशन आ जाती है और उसमें फिर हम ये एक ई जो है ये हमें हेल्प करता है कि डेटा के जो पैटर्नस हैं ऑब्वियस पैटर्नस हमें ईजिली उसमें पता चल जाए कैटेगरिकल डेटा है इस तरह उसमें हम फ्रीक्वेंसी की मदद मतलब मदस में देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा जो है वो कहाँ से आ रहा है किस कैटेगरी से आ रहा है तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इसका एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है एंड आई लाइक डूइंग दैट और मेरे डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन जो है ये मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़ और स्किल में शामिल है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़्या, मैं इन्जॉय करता हूँ जब भी कोई फसी से फसी डेटा या मैसी से मैसी डेटा भी मेरे पास आए तो आई फील इट के ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इसको क्लीन करूँ उससे अगला जो एक मेजर कंपोनेंट है वो आ जाता है डेटा एनालिसिस का बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो हमारा बॉस या हमारा लाइन मैनेजर या हमारा जो इंस्टीट्यूशन हमें देता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम इस सारे बिग डेटा को जो कि अब क्लीन हो चुका है विजुलाइज हो चुका है हमें उसमें पैटर्न्स जो हैं वो सारे पता लग चुके हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें मालूम हो चुका है तो फिर हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए फिर हम डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड्स जो हैं उसमें यूज़ करते हैं अब इसमें बेसिक्स जो है वो स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं जिसमें इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स है या हाइपोथसिस टेस्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेसिक वर्जन है उसका बट दे आर क्वाइट पावरफुल टूल्स अब एडवांस में उसमें मशीन लर्निंग आ जाती है उसमें भी हैवी स्टैटिस्टिक्स है बस एक नाम थोड़ा सा उसका डिफरेंट रखा हुआ है फिर डीप लर्निंग है आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ सकती है तो बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम अगले सालों के लिए क्राइम को प्रडिक्ट चाह रहे हैं या क्रॉप यील्ड को करना चाह रहे हैं या किसी खास कम्युनिटी में किसी खास लोकेशन पे हम कोई डिजीज़ प्रडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट जो प्रोडक्शन मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं स्पोर्ट वैक्ट मशीन है रैंडम फॉरेस्ट है रिक्रेशन मॉडलिंग है, है, है तो बेस्ड ऑन द डेटा हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और अपने मॉडल्स को एक्सप्लोर करते हैं फिर जो सबसे एक्यूरेट मॉडल हमें जब मिल जाए तो उसके लिए फिर हम उसके आगे फर्दर प्रडिक्शंस कर देते हैं तो ये कंपोनेंट कवर होता है डेटा अनालस कहलाता है अब जब डेटा एनालिसिस हो गया तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनकी जब हम प्रडिक्शन कर देंगे तो उसको फिर विजुलाइज किया जाता है उनके रिजल्ट्स को बेस्ड ऑन दी टेस्टिंग डेटा या रियल टाइम डेटा के ऊपर जब प्रडिक्शन करते हैं तो फिर हम उन रिजल्ट्स को विजुलाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टू आर रिस्पेक्टिव ऑडियंस और जो हमारे इंटरेस्टेड ऑडियंस है तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा स्किल है और आप लोग जानते हैं तो डेटा एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एक आपको अच्छा जो है वो कम्युनिकेटर भी होना पड़ता है ऑल दो ये रिटर्न फॉर्म में आता है या विजुलाइजेशन की फॉर्म में मोस्टली कवर होता है तो जितना अच्छे से अच्छे आप ग्राफ्स या प्लॉटिंग के जरिए अपने ऑडियंस को आप मैसेज देंगे उतने ही अच्छे आप आपका जो है वो एक वर्थ होगी आपके इंस्टीट्यूशन में और आपकी एक वैल्यू होगी तो डेटा कम्युनिकेशन और जो रिजल्ट्स की कम्युनिकेशन है ये इसका वन ऑफ दी लास्ट कंपोनेंट है अब कम्युनिकेशन में और uh, डैशबोर्ड्स भी आ सकते हैं स्लाइड्स भी आ सकती हैं नोट्स भी आ सकती हैं या वेरी प्रोफेशनल रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं आजकल हर चीज़ मोस्टली जो है वो इंटरेक्टिव हो रही है लोग वेब से ही एक्सेस कर लेते हैं तो डैशबोर्ड्स आर क्वाइट इन दिस डेज और उसके अलावा जो इंटरेक्टिव मैपिंग है या प्लॉटिंग है वो भी काफ़ी इन है और वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है कि अगर एक यूज़र है वो उसको किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली वैल्यू भी जाना चाहता है तो अगर कोई लेट्स सपोज के वो मैप है तो वो उसके ऊपर होवर कर सकता है और वैल्यूज़ को वैल्यूज़ के अलावा भी जो है वो डिफरेंट उसकी स्टेटिस्टिक्स हैं डेमोग्राफिक्स हैं या अदर जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसको देख सकता है अब एक लास्ट कंपोनेंट होता है वो आ जाता है उसकी एप्लीकेशन में रियल टाइम में मिसाल के तौर पर एक मॉडल बिल्ड कर लिया उसको टेस्ट कर लिया गया है अब रियल टाइम में हम उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो वो डिप्लॉयमेंट आ जाती है और उसमें एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो एक बेसिकली लैदा टीम्स होती हैं जो डेटा को रियल टाइम पे या मॉडल को रियल टाइम पे डिप्लॉय करती हैं और बाद में बेस्ड ऑन द कमिंग डेटा इन कमिंग मोर डेटा वो उसको फर्दर रिफ़ाइन करती रहती हैं अब उसमें भी वंस अगेन जो वेब ऐप्स हैं वो हैवीली यूज़ होती हैं क्योंकि अब रियल डेटा जो है आप उसको फेच कर रहे होते हैं और फिर मॉडल को आप उसको फीड कर रहे होते हैं तो मॉडल्स गिवन द पैटर्नस जो है वो उसको आपको प्रडिक्शन्स दे रहा होता है अब इसकी बहुत ही अहम एग्जाम्पल है आपका वेदर डेटा कि जैसे जैसे फर्दर मोर डेटा हम अपने मॉडल्स को फिट करते रहते हैं तो हमें फ्यूचर के प्रोडिक्शंस जो हैं उसको वो फर्दर रिफाइन करता रहता है ये तो था एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन डेटा का नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहें तो कैसे सीखते हैं कैसे सीख सकते हैं और आप कैसे इस फील्ड में जम कर सकते हैं इट डजेंट मीन के आपके पास जो है वो स्टेटस्टिक्स या मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की सिर्फ डिग्री हो हाँ ये चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है एडवांटेजेस हैं लेकिन अगर आप अप्लाइड साइंसिस से हैं जिस तरह के एग्रीकल्चर है मेडिकल साइंसिस हैं या बेसिक साइंसिस तो आप इस फील्ड में आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं तो उसके ऊपर इन अपकमिंग वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप इन फील्ड से हैं और ये डेटा साइंस में आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं तो स्टे ट्यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम